हेलो भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे काफी सारे लोगों की जॉब चली गई है और काफी सारे लोगों को उनकी कंपनी के थ्रू टर्मिनेट कर दिया गया है। सो इसी दरमियान बेसिल आपके लिए लेकर आया है बम्पर भर्तियां। इसमें अप्रोक्स करीब 727 वैकेंसी हैं, 727, और ये वैकेंसियां अलग अलग पोस्ट के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको सारी वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिल क्या है। बेसिल की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हमारे ही देश के टेलीकॉम सेक्टर द्वारा चलाई जाती है। एंड इसमें अभी कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं जिनकी लास्ट डेट आपकी 26 दिसंबर 2020 तक है, और इसमें जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी आपकी 10 दिसंबर 2020। सो हे गाइस, माय नेम इज विनोद एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट, लेट्स स्टार्ट। सो आइए गाइज, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं बेसिल के द्वारा, उनके बारे में वन बाय वन, ताकि आपको किसी भी जॉब की वैकेंसी के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन फैकल्टी ग्रुप सी पोस्ट एट एम्स भोपाल। सो आपकी जो पोस्टिंग है वो भोपाल एम्स के अंदर होगी, एंड यहाँ पर जो पोस्ट है उसके थ्रू आपको डिवाइड कर दिया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में। सो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड। सो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 18, और इसमें जो एज है आपकी 18 से 25 मांगी गई है। एंड साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी कि 12वीं पास, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपका कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो करीब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और यहाँ पर जो सैलरी होगी वो होगी 29,200 रुपए। ऐसे ही बात करें सेकंड मणिपुर टेक्निकल गैस स्टीवर्ड, इसमें टोटल 8 पोस्ट है, इसमें 18 से 35 एज है, इसमें 12वीं आपकी साइंस होनी चाहिए, एंड साथ ही आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। और यहाँ पर जो रोस्टर है वो है आपका 8 पोस्ट का, एंड इसमें अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है, एंड एससी के लिए 1 है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 29,200 रुपए। बात करें कैशियर के लिए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 13, और इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 से 30 के बीच में। डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, एंड साथ ही आपने एटलीस्ट 3 इयर्स आपको एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग अकाउंट्स। एंड बात करें यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी वो होगी 25,500 रुपए। आइए अब बात करते हैं चौथी पोस्ट के लिए, तो यह है इलेक्ट्रीशियन की, एंड इसमें 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसमें टोटल जो वैकेंसी वो 6 है, इसमें आपका 10th पास एंड ITI विद इलेक्ट्रिकल ट्रेड, एंड बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं इस पर। यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,500 होगी। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। सो इसमें टोटल वैकेंसी है करीब 34, एंड इसमें एज लिमिट है 18 से 27, आपका 12th पास होना जरूरी है, एंड इसके अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,500 होगी। आइए अब बात करते हैं 6th पोस्ट की। सो इसमें है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, एंड इसमें एज लिमिट 18 से 30 के बीच में है, 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेटेड मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, एंड इसमें स्टार्टिंग सैलरी 25,500 यानी कि 25,500 होगी। नेक्स्ट बात करें तो है सिक्योरिटी कम फायर जमादार, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 1 है, और इसमें एज लिमिट 18 से 30 के बीच में है। इसमें आपका 10+2 आपने किया हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई वो मांगी गई 10+2, एंड इसमें स्टार्टिंग सैलरी है 25,500। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी आर्टिस्ट की मॉड्यूलर। सो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 14 वैकेंसी है, और इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल के बीच में है। साथ ही इसमें आपसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट्स मॉडलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, सो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। एंड वहीं बात करें यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आर्टिस्ट की वो 29,200 होगी। आइए अब बात करते थोड़ी अदर पोस्ट की। सो इसमें है जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, इसकी एज लिमिट है 21 से 30 साल के बीच में, और ये पोस्ट है सिर्फ 1, इसमें 12th पास मांगा गया है, साथ ही आपको जो है हिंदी शॉर्ट हैंड की नॉलेज होना जरूरी है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपकी 25,500 होगी। आइए अब बात करते हैं जूनियर वार्डन हाउसकीपर की। सो इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं यानी कि 10, एंड इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, एंड 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो वार्डन का किसी भी कॉलेज में, एंड साथ ही इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी वो होगी 19,900 रुपए। आगे बात करो ऑपरेटर पोस्ट की। सो इसमें 12 पोस्ट है, इसमें एज लिमिट 18 से 30 रखी गई है, इसमें आपको 10th क्लास एंड साथ ही ITI आपकी होनी चाहिए, एंड इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 19,900 रुपए है। नेक्स्ट पोस्ट है प्लम्बर की, इसमें टोटल पोस्ट है 15, एंड इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में हो, साथ ही आपने ITI किया हुआ हो, एंड आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी है प्लम्बर के लिए वो 19,900 रुपए है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सोशल वर्कर की। सो इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एंड इसकी जो एज है वो आपकी 18 से 35 रखी गई है, इसमें 10+2 यानी कि 12वीं पास हो आप, साथ ही आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ सोशल वर्कर। सो इसमें स्टार्टिंग सैलरी है सोशल वर्कर की
25,500, 25,500। नेक्स्ट बात करें गैस पंप मैकेनिक की, सो इसमें टोटल टोटल दो पोस्ट हैं एंड 18 से 30 इसकी एज है एंड आप 12वीं पास हो साइंस स्ट्रीम एंड साथ ही आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एंड इसमें जो टोटल जो सैलरी स्टार्टिंग वो है 25,500। आगे बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड की, सो इसमें टोटल तीन पोस्ट है और इसमें एज 18 से 30। एंड बात करें मल्टीकुलर यानी कि 10th पास आप क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लाइब्रेरियन एंड आपको यहाँ पर स्टार्टिंग जो पैकेज मिलेगा वो मिलेगा 21,700, 21,700 रुपए। नेक्स्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क, टोटल इसकी 85 पोस्ट हैं एंड यहाँ पर जो एज है मैक्सिमम आप 30 इयर्स होनी जरूरी है या 30 इयर्स से कम ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी मांगी गई, साथ ही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इसके अंदर एंड इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है स्टोर कीपर की वो 19,900 होगी। नेक्स्ट है लोअर डिविजन क्लर्क LDC, सो इसमें टोटल 37 पोस्ट है एंड एज लिमिट इसके अंदर 1837 है। इसमें एज लिमिट 18 से 27 के बीच में है एंड इसमें 12th क्लास आपकी हो रखी हो एंड साथ ही आपका इसमें मांगा गया है आपकी टाइपिंग स्पीड एंड इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी होगी 19,900 रुपए। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। सो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए 830 रुपीज फीस रखी गई, 830 रुपए। वही हम बात करें SC ST की एंड PW की जो फीस है इसके अंदर 600 रुपए है, 600, और इस फीस को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। आइए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के बिहाफ पर, सेम चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। साथ ही यहाँ पर बात करें आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा आपका इंटरव्यू के बिहाफ पर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में रखा गया है। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट इसमें जो लोकल कैंडिडेट्स होंगे किसी एरिया के उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एंड नेक्स्ट चीज है यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर 90 होंगे और 90 मिनट्स ही आपको मिलेंगे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के। फाइनल सिलेक्शन आपका CVT में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। नेक्स्ट बात करें एज रिलैक्सेशन, तो इसमें SC ST को 5 साल की छूट मिली है। वही हम बात करें OBC को 3 साल एंड साथ ही 5 साल की छूट है फॉर PH फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को। तो नेक्स्ट बात करें हम हाउ टू अप्लाई, सो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, सो इनकी वेबसाइट www.becil.com। या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसके PDF, इस नोटिफिकेशन के PDF का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प मिली है या कोई भी आपको नई चीज पता चली है, सो आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट करें ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।